नमस्कार मु मंदाकिनी आम सहित वर्तमान उपस्थित रही छत्तीसगढ़ रा फाइनेंस मिनिस्टर ओम प्रकाश चौधरी जे कि लास्ट दुई दिन है वर्तमान ओडिशा रे रही प्रचार मैदान रे बुलुचंती प्रार्थी सहित प्रचार भी करुँच तेबे तांको मुहरु ही जानिबा जे प्रकृत रे तांकर अनुभव कौन ए प्रचार मैदान रे बुले। सर पहले आपका स्वागत है अर्गस न्यूज़ में। थैंक यू सर, आप अभी घूम रहे हैं, लास्ट दो दिन से आप ओडिशा में हैं, प्रचार मैदान में घूम रहे हैं, प्रार्थी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। फर्स्ट आपसे जानना चाहूँगी कि आपका अनुभव क्या है। सबसे पहले अर्गस चैनल के माध्यम से सभी उड़ीसा के भाई बहनों को मेरा जय जोहार। और मैं छत्तीसगढ़ की धरती से उड़ीसा में आकर मैं फील कर रहा हूँ कि मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए और उड़ीसा में नवीन बाबू की पांडियन की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार को पलटने के लिए, बदलने के लिए लहर ही नहीं सुनामी चल रही है। और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, 3100 रुपये में धान की खरीदी, जो सुभद्रा योजना 300 यूनिट तक बिजली फ्री, 3000 रुपये का ओल्ड एज पेंशन जैसे जो वेलफेयर स्कीम है उसको लेकर ज़बरदस्त आकर्षण है। और लोग इस क्षेत्र में पूरा फील कर रहे हैं कि अभी भी 5 महीना पहले छत्तीसगढ़ में पद्म फूल की सरकार बनी है, वो सब कुछ दे रही है, इस बात को बहुत गहराई के साथ महसूस कर रहे हैं। और दूसरा जो एक बड़ा इमोशनल सेंटिमेंटल सब्जेक्ट जो मुझे दिखाई दिया वो पांडियन जी के प्रति है। लोग साफ तौर पर फील कर रहे हैं कि 5T तो पूरी तरह से धोखा था, 5T तो बहाना था। टी फॉर ओरिजिनली, इनको टी का मतलब इनके लिए तमिल सीएम था, तो 5T तो बहाना था, तमिल सीएम लाना था, ये नारा लग रहा है। गो बैक पांडियन के नारे लग रहे हैं, पांडियन हटाओ उड़ीसा बचाओ के नारे लग रहे हैं। इस तरह के हालात पूरे ग्राउंड पर है, बहुत भयानक गुस्सा है। 4.5 करोड़ उड़ीसा के भाई बहनों को लग रहा है कि क्या कोई भी योग्य नहीं है जो पांडियन जी को तमिलनाडु से ला करके यहाँ पे सीएम बनाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। पांडियन जी राजनीति करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं, तो तमिलनाडु में जाएं, गांव गली की राजनीति करें, धूप और धूल पर खड़े होकर राजनीति करें। ऐसी चैम्बर में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हेलीकॉप्टर में घूमकर उड़ीसा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे उड़ीसा की जनता इसके प्रति बहुत आक्रोशित है। ये साफ तौर पर लहर और सुनामी के रूप में परिवर्तित हो रही है। उड़ीसा में बड़ी चर्चा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार धान के अनाज 3100 रुपये में खरीद रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में अन्नदाता 1500 या 1600 या ज़्यादा से ज़्यादा 1700 रुपये में बेच रहे हैं। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पे उड़ीसा में लागू नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है अगर उड़ीसा में बीजेपी सरकार आती है तो धान का अनाज 3100 रुपये में दिया जाएगा, लेकिन बीजू जनता दल उसको झूठा वादा बोल रहे हैं। इसके लिए आपका टिप्पणी क्या है? मोदी जी को पांडियन जी के, उनकी पार्टी के किसी प्रकार के सपोर्ट, किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी वो नेता हैं जो आज देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में जिनकी पॉपुलैरिटी हाईएस्ट लेवल पे है। आज मोदी जी वो नेता हैं जिन्होंने पिछले पाँच साल में कश्मीर से 370 हटा कर दिखाया है, 500 सालों से अटके राम मंदिर के मुद्दे को राम मंदिर बना कर दिखाया है। ऐसे सैकड़ों काम है। मोदी की गारंटी का मतलब होता है आज देश ही नहीं दुनिया भर में गारंटी के पूरा होने की गारंटी। तो पूरे उड़ीसा की जनता इस बात को समझ रही है, स्वीकार कर रही है। बीजेडी के लोगों को, पांडियन के चंद चमचों को ये हजम नहीं हो रहा है। यही पद्म फूल की सरकार बगल में छत्तीसगढ़ में बनी है, वहाँ 3100 रुपये में 21 कुंटल धान की खरीदी हो रही है। तो इसको उड़ीसा के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इसलिए बीजेडी को हटा करके बीजेपी को पद्म फूल की सरकार बनाने के लिए समर्पित है। मतलब मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं। सर, हाल ही में एक सोशल मीडिया में वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, आपने शायद देखा ही होगा। मिस्टर पांडियन, हमारे मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक, उनके मुंह से ये बुलवा रहे हैं कि बीजेपी दिन में सपना देख रहा है कि उड़ीसा में बीजेपी सरकार होगा बोल के। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने ये कहा है कि उड़ीसा में बीजेपी सरकार जरूर आएगी और बहुमत से आएगी। आपकी टिप्पणी? देखिए, पांडियन जी जब तक प्रशासन में काम कर रहे थे बात ठीक थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, उनको अगर राजनीति करनी है तो जाके संघर्ष करें। एक तो वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, ये कैसी राजनीति है? वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, जान रहे हैं कि उड़ीसा की जनता उनको धूल चटा देगी। और इसीलिए नवीन बाबू को दो जगह रिमोट की तरह उन्होंने खड़ा कर दिया है, और एक जगह वो बैकडोर एंट्री करने की शायद योजना बना रहे हो, दूसरी ओर वो बयान दे रहे हैं कि अगर चुनाव नहीं जीते तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यह भी एक तरह का ढोंग और नाटक है। चुनाव जीत गई अगर बीजेडी तो वो तमिलनाडु से यहाँ आया हुआ पांडियन उड़ीसा पर कब्जा कर लेना चाहता है, और अगर हार गई तो जो 15 सालों में पैसा कमाया है पांडियन ने उसको जा करके विदेशों में ऐश करना चाहता है। इसको उड़ीसा की जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये बचकाना राजनीति, इस तरह की राजनीति होती नहीं है। राजनीति के लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है, लोगों के साथ होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। रिमोट कंट्रोल से कब इसको आगे कर दिया, कब उसको आगे कर दिया, इस तरह की राजनीति नहीं होती। उड़ीसा की जनता इस तरह की राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्वेश्चन है आपको, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में महानदी को लेके बड़ी समस्या है। हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कभी भी एक बार कोशिश नहीं की बात करने के लिए। अगर उड़ीसा में बीजेपी सरकार आती है, महानदी को लेके जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो कन्फ्लिक्ट है, क्या भारतीय जनता पार्टी चाहेगी उसको सुलझाने के लिए? देखिए, फूल छाप की सरकार उड़ीसा में भी बनने जा रही है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पदुम फूल की सरकार छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी बनी हुई है। दोनों मिल बैठ कर बात करेंगे और लोगों के हितों को ध्यान में रख कर आपस में मिलकर हम तय कर लेंगे, और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मूल विषय है कि बीजेडी किसी चीज़ को लटकाए रखने में, भटकाने में, उलझाने में बिलीव करती है। पदम फूल की सरकार दोनों जगह आएगी तो मिल बैठ कर समाधान निकाल दिया। थैंक यू सर। तेज आम सहित रही छत्तीसगढ़ रो फाइनेंस मिनिस्टर ओम प्रकाश चौधरी से भी जिते प्रचार मैदान रे बुलूचंती से गोटे कथा से देखुचंती जे परिवर्तन रा हवा सबुटी देखिया पे मिलुची, मोदी लहर देखिया पे मिलुची एवं लोक माने गोटे अहेतुक भल पाइबा देउचंती भारतीय जनता पार्टी प्रति। कैमरा पर्सन चैतन्य साहू सहित मंदाकिनी मिश्र, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।